का कह रहे का पापा बस नहीं बुला के बता रहे कुछ। अरे बीड़ी मिले नहीं रही, हम देख लिया है। बस अच्छा ये वैष्णवी इधर पीछे लुका के रखी सी का। पापा तभी कह रहे हैं कि वैष्णवी का पता है बीड़ी कहाँ है। पापा खुश बीड़ी मिल गई तो। ये पापा देखो, पापा लाइटर सुनो, पापा देखो कैसे लाइटर जला रहे हैं। ओन पापा के जलवे हैं, जलवे बिखेर रहे हैं पापा बीड़ी जला के। ये मुंह बच्चे के मुंह में फूंक ना मारो, आ रहा आ रहा हटा। ओके मुंह पूरी फूंक मारी। ये धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कल वैष्णवी की जीजा लेके आए थे भंडारा का प्रसाद, कल हनुमान जयंती थी ना, खराब हो गई महक रही है कल की है, लेकिन नीचे दीदी के उसमें फ्रिज में रखवा दिया था। नहीं हमें अभी खाई है ना तो खट्टी खट्टी सी लग रही है, कल की है ना, कल सुबह बनी होगी, अभी खट्टी लगने लगी है। सब्जी भी रखी थी, इतनी अच्छी सब्जी थी, हमारे हस्बैंड के मालिक ने भंडारा कराया था, सब्जी पूड़ी पनीर की सब्जी थी बहुत अच्छी, लेकिन ये रात के लेके आए, 12-1 बजे रात के आए, तो उतने समय तक थोड़ा खाना खाया था, बाकी बचा था वो हमने ऐसे ही रख दिया था, घर ऐसे रखा था अब किसी के। अब नीचे दीदी के मकान मालकिन है मैं, उनके घर पर तो रात के थोड़ी ना जाएंगे फ्रिज में रखने के लिए, सुबह रखाया और जब तक रखाया तो उन्होंने देखा कि तो ख़राब हो गया, फिर भी रख लिया था फ्रीजर पे, कहते देखेंगे सही होती कि नहीं होती है। अरे हमें बता तुम, ये सही है कि नहीं सही है, देख लो खा के भी सही है कि नहीं सही है, तुम्हें खुद ही पता चल जाए। अच्छी लगे खा लेना, ना अच्छी लगे तो मत खाना, गंदी लग रही, खट्टी खट्टी सी लग रही है, हमने भी खा के देखी खट्टी खट्टी सी लग रही है, देख वो लगने जा रही है, वो खराब लग गई है। हाँ लौकी, लौकी ले फिर रहे हो, चलो अंदर रखो चल के लौकी। इतनी गंदी दीदी, इतनी गंदी लग रही है कि एक तो खाती पूरे दोबारा खीर खाए के नाम ना ले। अभी हम खावा है थोड़ी सी, लेकिन हम सोचे शायद तुमको पता चल जाए, तुमको ज्यादा तुम्हें पता नहीं चलता है ना कि खराब है कि अच्छी है, हमको स्वाद ले लो जान जाओ, नहीं खाओगे तो क्यों मना क्यों। पापा बच्चे को डांट रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये बता रहा रबड़ खा रही दीदी के मुंह से निकाली सह। पापा बच्चे को डांट रहे, बहुत मारेंगे। ऐसे कोई पन्नी में भर के फेंक दे, खराब होगी कैसे खीर, सब्जी भी बिल्कुल खराब होगी, बहुत फेंके मन नहीं कर रहे थे क्या करें, लेकिन मजबूरी है, खराब तो कोई खाएगा नहीं। ये देखो सब्जी, मैं कितनी आ रही है, कितनी अच्छी सब्जी है, लेकिन क्या करें मजबूरी, प्रसाद है लेकिन क्या करा जाए, खराब है प्रसादी, ये प्रसादी बटर है ना, कोई पन्नी में रख दे, कोई पन्नी में रख दे वैष्णवी, ये देखो पूड़ी पुआ सब कुछ आए थे, खत्म हो गए पुआ, खराब है ये भी, बगुआ का बिस्कुट रखा है, वो रखा है, कुछ रखा है, ये सब मिक्स करके फेंक दो। काय के भैया ने मार दिया, अभी बता रहे आरव को, गाय के दे दे भैया, दे अब गाय का, अब का कल परसों तक गाय बाहर रख दी है, गाय का डलिया लिए ना, वो इधर टंगा रही। हां गाय और बीमार हो गई, नहीं देखा है गाय हमारी माता। फ्रेंड देखिए आगे आगे होता है क्या, लौकी कितनी खिलाई हो, 20 किलो, बर्तन बर्तन भी धुल लो, हम सुबह से 2-3 बार बर्तन धुल चुके हैं, चाहे जितने धुल लो, हमारे जाने के बाद कौन से बर्तन नहीं धुला है, ये देखो कितना अच्छा, इसे रख देने जैसे कोई सामान आया हुआ, इसे घाटी बांध के रख दी से, ये है क्या
धुले धुले बर्तन है अभी। देखो आलतू फालतू बर्तन जो धुले के भी नहीं है, साफ बर्तन वो डाल ली धुले खातिर। आलू रखिएगा एक को। आलू भी नहीं यार। चलो आप कोफ्ता में कौन से आलू डला थे। अरे मारो नहीं, फिर रख दो, लौकी खराब हो जाएगी, फिर लौकी को कसना पड़ेगा। हाँ लौकी कस के पकौड़ी बनाते हैं, फिर उसकी सब्जी बन जाती है कोफ्ता की। देखो वैसे ही मैं बर्तन कैसे धुल रही, पहले इसे साफ पानी से निकाल रही है और फिर उसके बाद मान की बर्तन अच्छे से धुलेगी। अब साबुन लगा के धुलेगी। क्या आप लोग भी ऐसे बर्तन धुलते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कोई लेडीज हो तो। अरे ये देखो का थैला आई, आटा का थैला गिर गया। तीन लौकी मिल गई क्या वैसे? दो लौकी तो ये रखी है, एक जमीन में डाली है, तीन लौकी। ये देखो टोटल मिला के तीन लौकी हुई गई है। तीन लौकी तो अच्छा खासा कोफ्ता बन गई है। हाँ तो फ्रेंड हम बना रहे हैं। अरे बन गई है पकौड़ी, इतनी पकौड़ी ना बनी है कि तुम खा ले हो पकौड़ी। पकौड़ी बनी है, पकौड़ी के डाल के सब्जी बनी पे। अरे का है बहुत मारेंगे, अभी आरवी को मारा था तुमने, देखो गेट बंद कर रहा है। ये पंखा फालतू चल रहा है कमरे में, पंखा को बंद कर देते हैं हम। मारो नहीं भैया को, नहीं तो बहुत तेज मारेंगे, अभी बाबा मारेंगे तुम्हें, हमें क्या करना है। देखो वैष्णवी जा रही फेंकने के लिए, कूड़े की बाल्टी में डाल रही है बहुत, लेकिन खला है हमें, इतनी अच्छी अच्छी सब्जी थी, क्या किया जाए, बहुत रोए पड़ा है। अब देखो वैष्णवी ने ऐसे बर्तन धुल लिया साफ साफ पानी से पहले, क्योंकि जूठन उठन बच जाती है ना, तो ऐसे साफ पानी से धुल लिया। अब इसको साबुन लगा के धुलेगी बर्तन, इससे बर्तन अच्छे धुलते हैं। अगर आप लोग ऐसे बर्तन नहीं धुलते हो तो धुल लेना। बेचारे सच्ची ये में दिखाई हो काम का। ये देखो अब साबुन लगा लगा के बर्तन धुल रही है। हाँ इतने बर्तन है बस। क्या है इनकी गाड़ी अभी आई है और तुरंत गाड़ी तोड़ के रख दी ने, बहुत दुष्ट है। और जहाँ इनके डैडी को फोन आ जाएगा तुरंत चिल्लाने लगेगा कि हम बात कर ना पाएंगे, अपना चिल्लाने लगेगा कि हमें बात करा दो, बात कराएंगे तो गाड़ी ले आना, ये ले आना, वो ले आना, और गाड़ी फेंक दे था तोड़ के। वैष्णवी को बहुत दिन से खांसी है, जा नहीं रही, दिन में सही रही थी, रात में उतने जाने लगती है खांसी। हमने इससे कहा कि काढ़ा बना के पी लो। अदरक नहीं, अदरक खरीद लाती हूँ ना, ऐसा नहीं है। पागल है क्या, गरीबी बता रही है। गरीबी का हकीकत बता रहे हैं। फ्रेंड्स गरीबी नहीं बताने को, गरीबी बताते हैं ना तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हम लोग बहुत अमीर इंसान है। हाँ पैसा आपने बता दो कि बाबा पैसा है तो पैसा लोग मांगने लगते हैं, बताए तो क्या बताएं किसी से, लेकिन हम बताएंगे हम बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, जिसको जिसको भी पैसा चाहिए हमसे ले ले, ठीक है। कमेंट करो तो पैसे दे देंगे, ठीक है, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो, पैसे आएंगे मेरे पास तो हम पैसे तुमको दे देंगे जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, अभी हमारा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, जब अच्छा टाइम आ जाएगा ना तो टाइम आएगा। अपना टाइम भी आएगा एक दिन। फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करिए तो मेरा भी टाइम आ जाएगा, मेरे पास बहुत सारी गड्डी आएंगी पैसे की, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। हाँ ये खांसी का तरीका बता देना, और फ्रेंड्स बताइएगा कि हम इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, हमारी वीडियो कोई भी वायरल नहीं होती, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सदा मैं किस्मतें फूटी है, वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। कुछ मेहनत कर
वीडियो बनाते हैं, लोग फिर भी कहते हैं वीडियो बनाती हैं, ये नहीं से सोचते कि वीडियो बनाने में भी देखो टाइम लगता है, इंसान की मेहनत लगती है, लेकिन कहा कहा जाए। हाँ दीदी, नीचे दीदी बुला रही है, जरा सुन ले कि इस क्या कारण है जो बुला रही है, किस वजह से बुला रही है हमें। अरे नीचे सब्जी बिक रही, तो दीदी सब्जी है कह रही, ले लो बहुत सस्ती सब्जी बिक रही है, 1 किलो 20 रुपए का सीताफल है, सीताफल यानी कद्दू, पता है वैसे भी नीचे बहुत सस्ती सब्जी मिल रही है, ये तुम 20 रुपए की 3 लौकी लेके आओ, ये भी ठीक ही ठाक है, वैसे तो ऐसे नीचे मिल रही है, ये पता नहीं पूछिन के लौकी तो दे रहे कि नहीं दे रहे, कद्दू बेच रहे 20 रुपए के, भूल गए 20 रुपए कितने सीताफल दे रहे हैं, लेकिन लेकर नहीं क्या करेगा है कद्दू, हमें अभी 2 दिन पहले बनाया रहा है कद्दू की सब्जी, वही खाए खाए छक भी जाते इंसान, मन नहीं होता बार बार खाए। माँ एक गर्म पानी से बगुआ की बोतल धुल दो, अच्छा पानी दो ना तभी तो गर्म करें, चायदानी धुल देती हूँ, चायदानी गंदी लग रही है, अलग अलग बर्तन। ये देखिए वैष्णवी के बर्तन धुल गए, अब वैष्णवी किचन साफ कर रही है, फिर हम इसके बाद बनाएंगे सब्जी और बनाएंगे फिर उसके बाद रोटी, तो मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतनी वीडियो, आज के लिए इतनी अच्छा सवाल सफाई करते हैं। कल की वीडियो में देखिएगा कि हम कल क्या दिखाते हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा फ्रेंड। हाँ धुल लेना, अभी कल हम वीडियो में दिखाएंगे, आगे की वीडियो कल दिखाएंगे आपको, ठीक है, बाय बाय, टाटा बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कर देना, बिल्कुल अच्छे से याद करके। हाँ आप लोग वीडियो देखते देखते इतने मगन हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। अरे कुछ भी कर देना, लाइक कर देना जो तुम्हारा मन हो, अगर आपका मन करे तो लाइक कर देना, ना मन करे तो कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है, बताओ क्या करा जाए, कौन लाइक ना करे तो फिर बर्तन भी गए, एक गिलास डाल दीस, तो बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड्स।